हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 12 के कंटिन्यू करेंगे रिव्यू क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 10। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, लिस्ट सम इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ इथीन एंड इथाइन। इथीन के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं और इथाइन के बहुत सारे। दोनों जो है हम यूज करते हैं फ्रूट राइपन के लिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इथीन इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन बनाने के लिए, पॉलीमर टेक्नोलॉजी के लिए जो हम यूज करते हैं वो मोस्टली इथीन होता है। इट इज यूज टू आर्टिफिशियली रैपन फ्रूट्स। फ्रूट्स को पकाने के लिए कच्चे जो होते हैं उसको हम कर लेते हैं। इथीन इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म अदर यूजफुल कंपाउंड। बहुत सारे यूजफुल कंपाउंड बनाने के लिए करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एंटी फ्रीजर एजेंट है, ठीक है, और फ्रीजिंग एजेंट है। इसके बाद ऑक्सी इथाइलीन फ्लेम के लिए हम करते हैं, वेल्डिंग पर्पस के लिए इथेनॉल बनाते हैं, इसको हम और यूज करते हैं। प्लास्टिक की बहुत सारी प्रोडक्ट इससे बनती हैं, जैसे पॉलीथीन पीई जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पीवीसी हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसी तरह हम सेलुलोज एसीटेट और पॉलीविनाइल एसीटेट पॉलीमर यूज बनाने के लिए इथीन को यूज करते हैं। सेम इथाइन के बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। बहुत ज्यादा जो है हम इट इथाइन इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल इंडस्ट्री एंड फीड स्टॉक फॉर 30% ऑफ ऑल पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल में से तकरीबन 30% जो हो रहे वो इथाइन ही होता है। यूज क्या है, आर्टिफिशियली राइपनिंग फ्रूट, फ्रूट को पकाने के लिए करते हैं। इथाइन इज यूज एज एन एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट के लिए, यानी एल्यूमिनेशन रिएक्शन जो हम करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यूज यूज करते हैं। मेटल की कटिंग और वेल्डिंग के लिए करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है हम एसेटाइलीन को यूज करते हैं बेसिक मटेरियल के तौर पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे एसिटिक एसिड बनाना है, एसिटाल्डिहाइड है, एक्रिलिक एसिड है, ये तमाम बनाने के लिए हम इथाइन इस्तेमाल करते हैं। और हम इथीन और इथेन बनाने के लिए भी इथाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी डिस्क्रिप्टिव है। इसके अंदर हमें पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाई आर सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग केमिकल कंपाउंड इज नेसेसरी। हमें ऑर्गेनिक जो चीज हमारे पास मटेरियल है वो मिलियन और बिलियन की तादाद में है, तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है बाकायदा नाम लिखने के लिए। तो ये एक इंटरनेशनली हमारे पास स्टैंडर्ड है जिसको हम आईयूपैक कहते हैं, आईयू पैक, ठीक है, और ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का सिस्टम है। और उसके अंदर हम क्या कहते हैं, नॉर्मल नॉमनक्लेचर डिस्कस करते हैं। नॉमनक्लेचर के रूल्स इन्होंने बताए हुए हैं कि अगर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको लिंक में मैं शेयर कर दूंगी, आप इसको देख लीजिएगा। फादर इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। एक्चुअली जो हमें नेमिंग की क्यों जरूरत पड़ेगी, कार्बन की खास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन की वजह से मिलियन और बिलियन टाइप के जो है वो मॉलिक्यूल और यानी कंपाउंड जो है वो पॉसिबल है, और इतने सारे का नाम लिखना करेक्ट बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से आईयूपैक का पूरा सिस्टम है नॉमनक्लेचर का जो कि एस्टेब्लिश किया गया था, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ नेमिंग कंपाउंड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, और यही इंटरनेशनली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल जो है बेस करता है नेमिंग मॉलिक्यूल लॉन्गेस्ट चेंज ऑफ कार्बन कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड वेदर अ कंटिन्यूस चेंज और अ रिंग चेंज। अगर रिंग चेंज में है तो भी, और क्लोज चेन में है, ओपन चेन में, दोनों में जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके जितने भी डेरिवेटिव इससे पॉसिबल हैं वो सारे के सारे उसी के हिसाब से लिख के जाते हैं, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 20 जो है, 20 क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है, जिसके अंदर हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर कुछ जो है इन्होंने दिए हुए हैं कंपाउंड, उसके हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से। प्रोपेन दिया हुआ है, प्रोपीन दिया हुआ है, प्रोपाइन प्रोपेन प्रोपाइन और प्रोपीन, तीन हमें दिए। ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, प्रोपेन में कार्बन तीन होते हैं तो C3 होगा, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 6 8 होंगे, ठीक है, 3 2 N H2N, CnH2N होता है, ठीक है, +2। तो ये प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8, और इसको हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे ड्रॉ किया है डॉट एंड क्रॉस की मेथड से। डॉट एंड क्रॉस में हमने एक डॉट जो है कार्बन मेन एलिमेंट है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो उसको हमने क्रॉस से किया है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं।
प्रोपाइन जैसे नाम से पता है कि इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान रिप्रेजेंट किया, कार्बन वन और कार्बन टू होगा, और इसका जो फॉर्मूला होगा CH3, यानी सी जो है वो 3 है और एच जो है वो हमारे पास 4 होगा, ठीक है, इथाइन। और इथाइन की कौन सी टाइप है, ये प्रोपाइन है। क्यों प्रोपाइन है, क्योंकि कार्बन 3 है। थर्ड वाला जो है इसको भी हमने कार्बन को जो है डॉट से शो किया है और शो किया है, और हाइड्रोजन को क्रॉस को। थर्ड जो है हमारा प्रोपीन है, प्रोपीन के अंदर जैसे ई एन ई आ रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो पहले दूसरे कार्बन के दरमियान हमने डबल बॉन्ड दिया। स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे मौजूद है, और इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला का कंडेंस मॉलिकुलर फॉर्मूला के अगर CH2 CH, इन दोनों सी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग है, और आखिर में ये मिथाइल ग्रुप है CH3 पे, CH2 CH CH3, उसका जनरल फॉर्मूला जो बनेगा C3 बनेगा, और एच जो है वो 6 बन जाएगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल है। होप सो कि ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर एंड तक, जो कि